नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल आई एम मैकेनिकल इंजीनियर QHEC लीड ऑडिटर। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वालिटी इंजीनियर के बारे में। अगर आप क्वालिटी इंजीनियर हो या आप एज अ क्वालिटी इंस्पेक्टर या एज अ जूनियर क्वालिटी इंजीनियर काम कर रहे हो, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि एज अ क्वालिटी इंजीनियर व्हाट आर द स्किल रिक्वायर्ड इन अ प्राइवेट सेक्टर और इन अ ऑर्गेनाइजेशन। सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स बिगिन दिस। ओके, सो नाउ एवरीबडी नो व्हाट इज अ क्वालिटी। क्वालिटी क्या होता है कि एनीथिंग दैट इज फिट फॉर यूज और एनी प्रोडक्ट दैट मीट्स द कस्टमर रिक्वायरमेंट, राइट। कौन सा भी प्रोडक्ट अगर वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, या वो हमको जो यूज करने के लिए फिट है उसका मतलब क्या है, वो प्रोडक्ट क्वालिटी। तो इसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हम बना रहे हैं, जो कंपनी बना रही है उसका जो क्वालिटी है वो वेरीफाई करने के लिए, या एज पर दी कस्टमर रिक्वायरमेंट हम बना रहे हैं या नहीं है वो वेरीफाई करने के लिए क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी इंजीनियर्स होते हैं। तो वही क्वालिटी इंजीनियर्स के क्या क्या स्किल होने चाहिए वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मानो कि अभी देखिए थोड़ा स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। जैसे कि मतलब आप समझो कि जूनियर क्वालिटी इंजीनियर या एज इंस्पेक्टर ज्वाइन हुए हो, जब आप एज अ ट्रेनी ज्वाइन होते हो तो आपको क्या नॉलेज होना चाहिए। पहले तो जब आप एज अ ट्रेनी ज्वाइन करते हो तो आपको जो पहले बेसिक है अबाउट क्वालिटी डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट का क्या प्रोसीजर, कैसे वर्क करता है हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट, वो आपको पता होना चाहिए। आप वो जानने की कोशिश कीजिए, आपकी जो प्रोसीजर है क्वालिटी डिपार्टमेंट की वो पढ़िए कि हमारा जो क्वालिटी डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। उसके बाद धीरे धीरे आपको इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग का नॉलेज दिया जाएगा, आपको नॉलेज लेना है। पार्ट इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, इंस्पेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे विजुअल इंस्पेक्शन होता है, डायमेंशनल इंस्पेक्शन होता है, और कुछ केमिकल टेस्ट वगैरह होती है क्या, वो सब कुछ आपको धीरे धीरे पता होना चाहिए, पता करके लेना है। ड्राइंग रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग रीडिंग कैसे करते हैं वो भी सीखना है। कंट्रोल प्लान, क्वालिटी प्लान क्या होते हैं, उसको यूज करके कैसे जो इंस्पेक्शन है वो करना है वो सीखना है। अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अदर डिपार्टमेंट्स वर्क, मतलब धीरे धीरे क्या करना है, ये करते करते आपको अदर डिपार्टमेंट भी कैसे काम करते हैं, उनका क्या कैसे प्रोसेस होता है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, हर एक डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, वो आपको पता करके लेना चाहिए आपका नॉलेज के लिए। एंड आप जब इस पीरियड में होते हो, जैसे ट्रेनिंग पीरियड में होते हो, तो आपको इनकमिंग क्वालिटी क्या होता है, इन प्रोसेस क्वालिटी क्या होता है, फाइनल क्वालिटी इंस्पेक्शन क्या होता है, वो सब कुछ आपको गेन करना है ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग पीरियड। और ये सब कुछ सीखने के लिए आपको मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर तो टाइम लगता ही लगता है। और जैसे जैसे अभी आपका ये जो ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, मानो कि 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अभी आप क्वालिटी इंजीनियर हो, सीनियर क्वालिटी इंजीनियर हो, तो आपको क्या स्किल होने चाहिए, आपके पास क्या स्किल होने चाहिए वो अभी आप नेक्स्ट डिस्कस करने वाले। जैसे कि मानो आपके पास अभी 2+ या 3+ एक्सपीरियंस है, तो आपके पास क्या नॉलेज होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स कौन से है, उसको कैसे यूज करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। जैसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स है, जैसे कि 5-Y एनालिसिस, 8D यानी कि 8 डिसिप्लिन टूल्स होता है, 7QC टूल्स है, उसमें पारेटो एनालिसिस, फिशबोन डायग्राम जो हम यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जब भी हमारे कंपनी में न्यू डेवलपमेंट एक्टिविटीज होता है तो वो कैसे होता है, उसका क्या प्रोसीजर है, अगर कोई नया प्रोडक्ट बनाना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसमें क्वालिटी का क्या पार्ट है, वो आपको पता होना चाहिए, आपके पास उसका नॉलेज होना चाहिए, यानी कि न्यू डेवलपमेंट प्रोसीजर जो है आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो प्रोडक्ट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो कंपनी है, कौन सा प्रोडक्ट बनाती है और वो उसका इसका क्या रिक्वायरमेंट है, उसके कस्टमर के क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रोसेस नॉलेज, मानो कि एक्स वाई जेड प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसका इनकमिंग से लेकर फाइनल तक क्या प्रोसीजर है, वो हर एक कौन से स्टेप से जाता है, हर एक कौन से प्रोसेस से जाता है, वो आपको पता होना चाहिए, मतलब प्रोसेस नॉलेज आपके पास अच्छे से होना चाहिए एज अ क्वालिटी इंजीनियर। उसके बाद ऑडिटिंग स्किल, एज अ क्वालिटी इंजीनियर यू शुड हैव अ गुड ऑडिटिंग स्किल। आप दूसरे डिपार्टमेंट का ऑडिट कर सकोगे, आपके पास मतलब अदर डिपार्टमेंट का नॉलेज होना चाहिए कि उसका क्या वर्किंग है, उसका क्या प्रोसीजर था, आप ऑडिट कर पाओगे, राइट। उसके बाद यू शुड बी एबल टू फेस द सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी ऑडिट, मतलब कस्टमर के ऑडिट फेस करने के लिए आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए।
थर्ड पार्टी यानी कि जो सर्टिफिकेशन बॉडीज होती है जैसे आईएसओ सिस्टम आईएसओ सर्टिफिकेशन जो करती है उनकी जो ऑडिट्स होती है वो फेस करने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए. मतलब ऑडिटिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ क्वालिटी इंजीनियर. उसके बाद जो फाइव कोर टूल्स होते हैं जैसे कि एपीक्यूपी है, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग बोलते हैं उसको, एफएमई है जैसे कि फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस, पीपीएफ होता है प्रोडक्ट पार्ट अप्रूवल प्रोसेस जो होता है, एसपीसी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल होता है, एमएसए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, उसका नॉलेज होना चाहिए. मतलब फाइव कोर टूल का नॉलेज आपके पास होना ही होना चाहिए, चाहे आप यूज करते हो ना करते हो. लेकिन एज अ क्वालिटी इंजीनियर यू शुड हैव दिस नॉलेज ऑफ द फाइव कोर टूल्स, एपीक्यूपी, एफएमई, एसपीसी, एमएसए, पीपैप, ऑल दिस नॉलेज यू शुड हैव एज अ क्वालिटी इंजीनियर, तभी आप और अच्छा ग्रो कर पाओगे आपके करियर में. रिजेक्शन एनालिसिस कैसे करते हैं? रिजेक्शन एनालिसिस आपको करना आना चाहिए कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकमिंग से लेके आउटगोइंग तक रिजेक्शन जो एनालिसिस होता है, प्रोडक्शन में जो रिजेक्शन एनालिसिस करना चाहिए वो आपको आना चाहिए, आपके पास उसका नॉलेज होना चाहिए. रिजेक्शन एनालिसिस करती है टॉप मोस्ट जो रिजेक्शन है वो निकालने चाहिए, उसके ऊपर कैसे एक्शन लेना, वो कैसे कंट्रोल करना है, ये आपका काम है. एज अ क्वालिटी इंजीनियर आपको पता होना चाहिए और आपने एक्शन लेनी चाहिए. उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए, आपको जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो अच्छे से आपको बनाना आना चाहिए, वो प्रेजेंट करना आना चाहिए. यू शुड चेयर द कस्टमर मीटिंग, यू शुड चेयर द सप्लायर मीटिंग्स, राइट? आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल, जो मीटिंग चेयर करनी है वो भी आपके पास उसका स्किल होना चाहिए. ट्रेनिंग स्किल नेक्स्ट होता है कि ट्रेनिंग स्किल भी आपके पास अच्छा होना चाहिए. जब भी आपके पास दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देना है तो आप वो ट्रेनिंग दे सकोगे, आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए कि यू शुड डिलीवर द ट्रेनिंग्स ऑन फेरियस टॉपिक्स टू द अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल एज यूर ओन क्वालिटी डिपार्टमेंट पीपल. एबिलिटी टू वर्क विद पीपल, यू शुड हैव एबिलिटी टू वर्क विद टीम विद अदर डिपार्टमेंट्स टीम, राइट? उसके बाद जब आप और आपकी जो पोजीशन बढ़ती है, जैसे आप क्वालिटी मैनेजर हो गए, सीनियर मैनेजर हो गए, तो जो कॉस्ट रिडक्शन प्रोजेक्ट होती है, जैसे कि मतलब आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि जो वेस्टेज है, जैसे कि रिजेक्शन कम करके, प्रोसेस इंप्रूवमेंट करके, कॉस्ट रिडक्शन करने की आपने कोशिश करनी चाहिए, राइट? तभी जाके आप अच्छे क्वालिटी मैनेजर हो या आप क्वालिटी अच्छे इंजीनियर हो. जो कैलिब्रेशन का नॉलेज होता है, इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो हर लोगों को आपने बताना चाहिए आपके पास. और यू शुड हैव नॉलेज अबाउट द कैलिब्रेशन ऑफ द इक्विपमेंट्स. और लास्ट में होती है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही एक अहम पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अच्छे से रखना चाहिए, वो अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, और उसके जो ट्रेसिबिलिटी है वो बहुत ईजी होनी चाहिए. कौन सा भी डॉक्यूमेंट हो इजीली आप ट्रेस कर सके, ऐसा अच्छा सा डॉक्यूमेंटेशन स्किल आपके पास होना चाहिए एज अ क्वालिटी इंजीनियर. अभी अदर नॉलेज बात करेंगे तो जैसे कि लीन मैन्युफैक्चरिंग होता है, काइजन होता है, सिक्स सिग्मा होता है, ये नॉलेज आपके पास होने चाहिए ताकि आपके जो करियर में है वो आगे जाए, ग्रो कर सके. और बहुत सारे जैसे कि मैंने बताया कि लीन मैन्युफैक्चरिंग कोर्स अवेलेबल होते हैं, सिक्स सिग्मा होता है वो कोर्स आप कर सकते हो, आईएसओ लीड ऑडिटर होता है वो आप कर सकते हो. तो ये जो कोर्सेस है करके वो भी आपका जो करियर है एज अ क्वालिटी इंजीनियर आप ग्रो कर सकते हो. और जो मैंने ऊपर जो बहुत सारे जो स्किल्स बताए आपके पास होने चाहिए ताकि आप अच्छा सा क्वालिटी इंजीनियर बन के जो ऑर्गेनाइजेशन में जिस काम कर रहे हो, आपका जो मतलब एज अ क्वालिटी इंजीनियर जो आप करने चाहिए वो अच्छा कर पाएंगे और कंपनी की जो ग्रोथ है उसके लिए भी आप हेल्प कर सकोगे और आपका जो करियर है वो भी डेवलप हो जाएगा. उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा. अगर थोड़ा भी पसंद आया होना, अगर आपको लगे कि कुछ इस वीडियो में थोड़ा सा आप सीख गए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.